हाय गाइस, वेलकम टू एड्यूस्टेप। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग चैप्टर 8 की बात करेंगे। अभी तक हम एक इसका इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दो वीडियोस पर्टेनिंग टू चैप्टर 8 दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स ऑलरेडी हमारे पेज पे पुट अप हो चुकी हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है और पैरेललोग्राम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और क्वाड्रिलैटरल्स किन किन टाइप के होते हैं, बेसिकली व्हाट अ क्वाड्रिलैटरल इज, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको उन दो लेक्चर्स में गिवन है, राइट? तो बिफोर यू मूव ऑन टू दिस वीडियो दैट इज एक्सरसाइज 8.1 दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर, उससे पहले आप लोग प्लीज एक बारी पिछली वीडियोस देख लें, वरना आपको प्रॉपर्टीज के बारे में जब तक नहीं पता तो काफी चीजें हैं जो इन एक्सरसाइजेस में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? तो फॉर ऑल दोस जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देख ली है, लेट्स बिगिन with the first exercise that is chapter 8, जिसका part 1 हम लोग आज discuss करेंगे। इसमें हम लोग question number 1 to question number 3 जो हमारी exercise का है वो हम लोग discuss करेंगे, right? So let's begin with the first question. What does the first question say? The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:3. Find all the angles of the quadrilateral. तो सबसे पहले sum of the angles of a quadrilateral क्या होता है? Sum of angles is 360 degree. ठीक है? तो हम एक angle को x assume कर लेते हैं, right? तो let one angle be equal to x degree. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा फर्स्ट एंगल क्या होगा? द फर्स्ट एंगल इज गोइंग टू बी 3 × x, राइट? सिमिलरली सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारा 5 × x, द थर्ड इज गोइंग टू बी 9 × x एंड द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी 13 × x, राइट? तो इन चारों एंगल्स का सम हमें क्या चाहिए? इन चारों एंगल्स का सम हमें 360 डिग्रीज चाहिए, राइट? तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करें अगर हम 5 × 3 = 8 and 9 = 17 and 13 = 30, सो 30x इज इक्वल टू 360 एंड x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अब जब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? हमारे पास x की वैल्यू है तो फर्स्ट एंगल इज गोइंग टू बी 12 डिग्री। तो 3 × 12 36, 5 × 12 60, 9 × 12 इज 108 and 13 × 12 is 156, right? तो ये हो गए हमारे चारों angles. Easy. क्या कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ angle को x assume करके हमारे को इसमें कौन सी property use होगी? इसमें हमारी property use हुई है कि the sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. इसीलिए previous videos देखना जरूरी है, क्योंकि वरना understanding नहीं बन पाती questions. The sum of angles is equal to 360 degrees. Moving on, if the diagonals of a parallelogram are equal, तो क्या बताया इसमें हमको सबसे पहले? That AB is equal to CD, right? AB is equal to CD हमको सबसे पहले बताया है, right? तो what we have to show is that the quadrilateral or the parallelogram is a rectangle. Rectangle के लिए हमें क्या prove करना पड़ेगा? We have to prove that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to what? 90 degree. चारों angles 90 degree हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन हमें क्या है अभी तक? AB is equal to CD और parallelogram है तो opposite sides भी equal होंगी। opposite side हमारी equal है, AB is equal to CD and AC is equal to BD, और diagonals हमें equal दिए, मतलब AD is equal to BC, right? तो prove करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं?
लेट्स पिक अप टू ट्रायंगल्स. एक तो हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी एंड द अदर ट्रायंगल इज गोइंग टू बी बी सी डी. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स. तो इसमें सबसे पहले ए बी सी एंड बी सी डी, तो एक तो ये कॉमन हो गया हमारा, दिस इज गोइंग टू बी द कॉमन लाइन. ठीक है, और वी नो दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ए बी इज इक्वल टू सी डी. राइट, ए बी इज इक्वल टू सी डी. तो इससे यहाँ पे टू लाइन्स आएंगी, ये दोनों इक्वल हैं, है ना. तो इससे क्या हो जाएगा, कौन सा रूल अप्लाई होगा, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है अब तक तो कि कौन सा रूल कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे. यस, वी विल अप्लाई द एसएसएस रूल. तो साइड 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 दैट इज एसएसएस रूल से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एक बारी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए एंड बी सी इज द कॉमन लाइन, बी सी इज द कॉमन साइड. ठीक है, तो बाय एस 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 रूल द टू ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल ए बी सी इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, इट इज गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी. ठीक है, तो अब बाय सी हमारे को क्या प्रूव करना है, इससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू सॉरी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव हो गया बाय सीपीसीटी. तो यहां लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बाय सीपीसीटी. ठीक है, सिमिलरली अब हम और सेट ऑफ ट्राइंगल्स ले लेते हैं. देखो अब प्रूव आपने करना है कॉन्ग्रुएंसी से, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट विच ट्राइंगल्स वी हैव टू पिक अप. तो एक अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन से ले लेते हैं, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. ठीक है, कौन से, एक तो ये वाला ए बी एंड डी एंड ए सी डी. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स पुट कर लिए. अब सेम रूल, क्योंकि सेम हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो गई, ए डी इज द कॉमन साइड, है ना, ए डी इज द कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी डी इज इक्वल टू ए सी. तो सिमिलरली बाय एस 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 रूल हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ आइदर दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू डी, ऐसे कुछ भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम ये दो ट्राइंगल्स पिकअप करते हैं, एक हो गया ये, देखो यहाँ आई विल ड्रॉ द टू ट्राइंगल्स. इफ वी पिकअप द टू ट्राइंगल्स दीज वंस, एक तो हो गया ये ए सी डी और दूसरा हो गया दिस वन बी सी डी. ये दोनों अगर हम पिकअप करते हैं तो ये देखो डायगनल्स हमें पता है कि इक्वल हैं, डायगनल्स हमारी इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं और ये हमारी कॉमन साइड है. ठीक है, तो इससे बाय एस ए एस रूल सॉरी बाय अगेन बाय एस 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 रूल हमारे ये साइड्स इक्वल हो जाएंगे और ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और वी हैव प्रूव्ड एंगल जो हमने ये वाले दो ट्राइंगल्स लिए थे उसमें हमने प्रूव कर दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. राइट, तो मैं ये इरेज कर रही हूं, अगर आप लोगों ने सबने इसको कॉपी कर लिया है तो.
ये हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया कि चारों हमारे एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है ना, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट, तो ये देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। और हमें क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो अगर हम सबको ए अज्यूम कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4 इज 90 डिग्री। तो हो गया हमारा प्रूफ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सॉरी इक्वल टू आएगा यहाँ पे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज व्हाट इट इज 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, कि द साइड्स आर इक्वल टू व्हाट, दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। गेट इट। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, अब यहाँ पैरेललोग्राम नहीं है, इफ द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हम लोग एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ हो गया। इसमें दो डायगनल्स जो हैं हमारे वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल्स क्या है हमारे, 90 डिग्री है। गेट इट। तो इसको नेम कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो हमें क्या चीज बताई है, लेट दिस पॉइंट बी ओ, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब हो गया, दैट एओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डीओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो एओ इज इक्वल टू ओ बी एंड डीओ इज इक्वल टू सॉरी एओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें इसकी सारी साइड्स क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। तो व्हाट डू वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू पिकअप टू ऑपोजिट ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट ट्रायंगल्स पिकअप कर लेते हैं। तो ऑपोजिट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, ये दोनों हमने पिकअप कर लिए। अब ए ओ बी और सी ओ डी में एक तो हमें पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, है ना, और हमें क्या पता है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, है ना, यहाँ पे बी ओ बी लिख लेते हैं और यहाँ पे ओ डी लिख लेते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये पता है हमें, और एंगल तो हमें पता ही है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है सारे। तो इसका मतलब क्या कि वो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और एंगल एओ बी इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू एंगल सीओ डी, ठीक है। तो ये बाय साइड एंगल साइड रूल हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब ट्राइंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे, बाय सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी से हमारे ये प्रूव हो गए इक्वल, दिस एंड दिस इज इक्वल, ठीक है।
अब सिमिलरली गाइज हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल्स कौन से पिकअप करेंगे? हम लोग पिकअप करेंगे ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। तो जब हम ट्रायंगल एओडी और बीओसी पिकअप करेंगे, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम टर्म्स पे हमारी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, एंड देन बाय सीपीसीटी वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, तो अब हमारी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल प्रूव हो गई, अब हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू। इसमें हम ट्रायंगल्स कौन से पिकअप करेंगे, अभी तक हमने ऑपोजिट ट्रायंगल्स पिकअप किए थे, है ना, अब हम एडजेसेंट ट्रायंगल्स पिकअप करेंगे। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर गोइंग टू पिकअप ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी। ठीक है, एओडी, अब इसमें हम लोगों को ये पता है कि तो इसमें हमें ये पता है, सबसे पहले तो ओ ए कॉमन लाइन है ना, ओ ए इज द कॉमन साइड, ठीक है, और एंगल कौन सा है हमारा इक्वल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, है ना, ये हमको पता है क्योंकि द डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो ये अगेन बाय साइड एंगल साइड हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो देन बाय सीपीसीटी हमारी साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए डी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, राइट, तो क्या प्रूव हो गया अभी तक हमारा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी विच इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी चारों साइड्स इक्वल प्रूव हो गई, हेंस द गिवन डायग्राम और द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस। इसमें हमें यही प्रूव करना है कि चारों साइड्स क्या है जो इक्वल है। ठीक है, so this is all, we are going to continue with the next questions in the next lesson, till then keep revising properties। agar aap log nahi yaad rakhenge to aap logo ko nahi pata hoga eventually ki kya prove karna hai, right, so don't forget to like share and subscribe to our channel edustep and keep watching, thank you।